गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करते हैं इशू ऑफ डिवेंचर व्हेन रिडीम प्राइस इज गिवन। आपको पता होगा कि जो डिवेंचर आपका होता है वो एक तरह से लोन फ्रॉम पब्लिक होता है। कंपनी डिवेंचर्स के थ्रू पब्लिक से लोन लेती है, तो उसका हमें रिडक्शन भी करना होता है, मीन्स हमें पेमेंट भी करना होता है। जिस तरह से डिवेंचर जब इशू करते हैं हम, तो उसमें थ्री कंडीशन होती है। व्हेन डिवेंचर इशूड एट पार, व्हेन डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम, व्हेन डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट। तीन तरह की कंडीशन होती है, तीन तरह से कंपनी डिवेंचर को मार्केट में इशू कर सकती है। और इसी तरह से जब डिवेंचर्स का रिडक्शन होता है, पेमेंट होता है, तो उसमें भी कंडीशन फॉलो होती है। डिवेंचर का जो पेमेंट होता है, कंपनी वो एट पार कर सकती है और कंपनी उसका एट प्रीमियम पे भी पेमेंट कर सकती है। तो इसको हम लोग कंडीशन वाइज देखेंगे। केस वन है व्हेन डिवेंचर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार, मीन्स इशू प्राइस 100 एंड रिडीम प्राइस 100। जो फेस वैल्यू थी वो 100 थी, कंपनी ने डिवेंचर को 100 रुपीज़ पे इशू किया और जब कंपनी इसको रिडीम करेगी तो भी इसको 100 रुपीज़ पे रिडीम करेगी, मीन्स देयर इज़ नो प्रीमियम एंड डिस्काउंट। देन एंट्री इज़ द फर्स्ट एंट्री हम लोग पास करते हैं फॉर रिसीविंग। देन एंट्री इज़ द बैंक अकाउंट डीआर टू डिवेंचर अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट रुपीज़ 100। सेकेंड एंट्री इज़ द फॉर ट्रांसफर ऑफ डिवेंचर अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। देन एंट्री इज़ द डिवेंचर अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू डिवेंचर अकाउंट। तो ये एंट्री हम लोग की पास हुई, एक रिसीविंग की और दूसरी ट्रांसफर की। सेकेंड केस इज द व्हेन डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार, मीन्स आपने डिवेंचर इशू किया एट प्रीमियम पे और उसका जब पेमेंट करेंगे तो एट पार करेंगे। रिडीम प्राइस गिवेन आपकी 104 एंड इशू प्राइस गिवेन आपकी 104 एंड रिडीम प्राइस गिवेन आपकी 100। फर्स्ट एंट्री इज द बैंक अकाउंट डीआर टू डिवेंचर अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 105। फर्स्ट एंट्री जो भी पास होती है वो आपकी इशू प्राइस के साथ पास होती है और इसमें आपकी इशू प्राइस 105 थी, तो 105 से इसको हमने पास किया, जिसमें से 5 रुपीज़ आपका प्रीमियम है। तो नेक्स्ट एंट्री हम पास करेंगे फॉर ट्रांसफर डिवेंचर अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर 105 टू डिवेंचर 100 रुपीज़, और इसमें प्रीमियम कितना था आपका 5 रुपीज़, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 5 रुपीज़। थर्ड एंट्री इज द व्हेन डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार। अब यहाँ पे डिवेंचर को आपने डिस्काउंट पे इशू किया कंपनी ने और जो उसका पेमेंट होगा वो एट पार होगा। देन इशू प्राइस 90 एंड रिडीम प्राइस 100। बैंक अकाउंट डीआर टू डिवेंचर अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट रुपीज़ 90 यूज़ होगा और इसको फिर हमें ट्रांसफ़र करना होगा डिवेंचर अकाउंट में। देन डिवेंचर अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर 90 रुपीज़, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डीआर 10 रुपीज़ टू डिवेंचर 100 रुपीज़। डिवेंचर में जब भी वैल्यू हम शो करेंगे वो फेस वैल्यू होती है, फेस वैल्यू को ही हमें क्या करना है डिवेंचर में शो करना है। केस फोर व्हेन डिवेंचर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। अब यहाँ पे डिवेंचर को इशू किया गया है एट पार पे और इसका जो पेमेंट होगा वो एट प्रीमियम पे होगा। तो फर्स्ट एंट्री इज द बैंक अकाउंट डीआर टू डिवेंचर अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये इशू की एंट्री पास होती है इशू प्राइस के साथ, आपने 100 पे ही इशू किया है। तो फर्स्ट एंट्री इज द बैंक अकाउंट डीआर टू डिवेंचर अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 100 रुपीज़, बट इसको जब कंपनी रिडीम करेगी तो उसकी प्राइस गिवन है 105 यानी 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा देगी। देन एंट्री इज द डिवेंचर अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर 100 रुपीज़, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डीआर 5 रुपीज़, टू डिवेंचर अकाउंट 100 रुपीज़ एंड टू प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिवेंचर 5 रुपीज़। जब भी आप प्रीमियम पे पेमेंट करोगे तो लॉस वाली एंट्री आपकी क्या होगी, डेबिट होगी। ये बात ध्यान रखना आपको, जब भी प्रीमियम पे रिडीम होगा तो उसमें लॉस की एंट्री आपकी डेबिट होगी,
स्टार्टिंग में देखिए तीन कंडीशन की बनती है, जिसमें रिडीमेबल एट पार, रिडीमेबल एट पार, रिडीमेबल एट पार, तीनों कंडीशन में आपका रिडीमेबल एट पार हुआ था तो उसमें लॉस की एंट्री हम लोगों ने पास नहीं की थी, ना प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन की एंट्री क्रेडिट हुआ था, ना लॉस आपका डेबिट हुआ था। तो जब भी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिबेंचर क्रेडिट होगा तो लॉस ऑन इश्यू और डिबेंचर आपका डेबिट होगा, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एंट्री नंबर 5 है, व्हेन डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, मीन्स इश्यू प्राइस 90 एंड रिडीम प्राइस 105। तो फर्स्ट एंट्री इज ऑलवेज पास विथ इश्यू प्राइस, देन बैंक ऑन डीआर टू डिबेंचर अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट रुपीज 90। सेकेंड एंट्री इज द फॉर ट्रांसफर ऑफ डिबेंचर अप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिबेंचर अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर 90 रुपीज, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट 15 रुपीज। यहाँ पे आपका दो लॉस हो रहा है, जब आपने डिबेंचर को इशू किया था तो वहाँ पे आपका 10 रुपीज़ का लॉस हुआ था, और जब आप प्रीमियम पे पेमेंट करोगे तो वहाँ पे आपका 5 रुपीज़ का लॉस होगा। तो 10+5 आपका हो गया 15 रुपीज़, और इस 15 रुपीज़ को हम लोग लॉस के नाम से मेंशन करेंगे, यानी डिस्काउंट का को भी हमने लॉस में क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। तो आपका टोटल लॉस हो गया 15 रुपीज़, 2 डिबेंचर 100 रुपीज़ एंड 2 प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिबेंचर 5 रुपीज़। वो हमने कैसे फाइंड किया, आपकी रिडीम प्राइस 105 गिवन थी, तो इसका मीन्स हो गया जो आपका एक्सेस पार्ट था एट द टाइम ऑफ पेमेंट वो 5 रुपीज़ था, तो उसको हमने प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिबेंचर के नाम से 5 रुपीज़ शो कर दिया। एंट्री नंबर 6, व्हेन डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम आल्सो। अब आप कंपनी ने डिबेंचर को जो इशू किया वो भी प्रीमियम पे इशू किया है, और जब कंपनी रिडीम करेगी तो वो भी प्रीमियम पे करेगी। इश्यू प्राइस 105 एंड रिडीम प्राइस 110। अब फर्स्ट एंट्री इज द बैंक अकाउंट ईयर टू डिबेंचर अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 105, ये आपकी इश्यू प्राइस एंट्री पास हो गई। सेकेंड एंट्री इज द डिबेंचर अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट ईयर 105। सेकेंड एंट्री में अप्लीकेशन अलॉटमेंट की वही वैल्यू आएगी जो फर्स्ट एंट्री में आती है। उसके बाद नेक्स्ट है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। देखिए यहाँ पे दो प्रीमियम है, एक इशू के टाइम का प्रीमियम है और एक रिडीम के टाइम का प्रीमियम है। जो इशू के टाइम का प्रीमियम होता है उसको एज ए सरप्लस हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नेम से क्रेडिट करते हैं, और जो प्रीमियम आपका रिडेम्पशन का होता है उसको हम एज ए लायबिलिटी, क्योंकि उसको अभी हमें पेमेंट नहीं करना है, पेमेंट हमें करना है जब उसका हम रिडेम्पशन करेंगे, पेमेंट करेंगे, तो वो एज ए लायबिलिटी क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे दो प्रीमियम है, दोनों को हम अलग अलग ट्रीटमेंट करेंगे। जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है वो 5 रुपीज़ है, तो उसको हम मेंशन करेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 5 रुपीज़, और जो रिडेम्पशन का प्रीमियम है उसको हम शो करेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 10 रुपीज़। और यहाँ पे जो आपका लॉस वर्ड यूज हुआ है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, उसमें सिर्फ जो आपका रिडेम्पशन का प्रीमियम है उसको हम मेंशन करेंगे 10 रुपीज़, क्योंकि जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है वो आपका डिबेंचर अप्लीकेशन अलॉटमेंट में इंक्लूड था, 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा था, 105 था। तो इस तरह से हम लोग को एंट्री पास करनी होगी व्हेन रिडीम प्राइस इज गिवन इन द क्वेश्चन, यानी इश्यू प्राइस भी गिवन है, रिडीम प्राइस भी गिवन है, और अकॉर्डिंग सिचुएशन अकॉर्डिंग कंडीशन हमें क्या करनी है, जब एंट्री पास करनी है। तो इस तरह से हम एंट्री पास करेंगे, अगर रिडीमेबल एट पार है तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर की एंट्री, प्रीमियम और रिडक्शन की एंट्री पास नहीं होती है, और जब भी रिडीमेबल आपका एट प्रीमियम होगा तो दो अकाउंट आपका उसमें मेंशन हो जाएगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर आपका डेबिट हो जाएगा और प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिबेंचर आपका क्रेडिट हो जाएगा। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।